चाहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हो और या हो डीसी का सुपरमैन या फिर बैटमैन, पर आप में से हर किसी ने एक ना एक बार सुपर हीरो मूवी जरूर देखी होगी। पर आखिरकार क्यों सुपर हीरोज मूवी इतनी एडिक्टिव होती हैं और लोग उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते क्यों हैं? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया की सबसे पहली सुपर हीरो मूवी द मार्क ऑफ जोरो जो कि 1920 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के कैरेक्टर जोरो ने ही आज के सुपर हीरोज की नींव रखी, क्योंकि डीसी की कॉमिक हीरो बैटमैन की इंस्पिरेशन भी उसी सुपर हीरो से मिली थी और उस टाइम पे बनी इस मूवी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया और ये कमर्शियली काफी हिट भी हुई थी। उस टाइम के मार्क ऑफ द जोरो से अब के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी सुपर हीरो के यूनिवर्स का सफर काफी ज्यादा रोमांच से भरा रहा है और हर सुपर हीरो के पीछे जुड़ी कोई ना कोई कहानी ने इसे हर एक उम्र के लोगों में इतना लोकप्रिय बनाया। पर बच्चों में तो सुपर हीरोज मूवीज का क्रेज एक नेक्स्ट लेवल पर होता है। एक नवजात बच्चे को सुपर हीरो की वीडियो दिखाई गई और स्टडी के रिजल्ट में ये पता चला कि इन्फेंट जिनको अब तक बोलना तक नहीं आता वो एक सुपर हीरो को समझ सकते हैं। पर ये सुपर हीरो मूवी इतनी पॉपुलर और एडिक्टिव तीन वजह से होती हैं। फर्स्ट रीजन है सुपर हीरो का कैरेक्टर। मूवी या फिर कॉमिक इंडस्ट्री में किसी भी सुपर हीरो का कैरेक्टर को इतना ज्यादा रियलिस्टिकली लिखा जाता है कि ऑडियंस उसे अपने आप से या फिर अपनी जिंदगी से रिलेट करने लगती है और एक रिपोर्ट के हिसाब से 60 सालों से स्पाइडरमैन अब तक का सबसे ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है। और एक इंटरव्यू के दौरान मशहूर कॉमिक राइटर स्टैनली ने बताया कि स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम ही उसे और सुपर हीरो से सबसे ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर बनाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन की बॉडी पूरी तरह कवर्ड होती है और कोई इंसान भी चाहे बच्चा बूढ़ा ब्लैक व्हाइट कोई भी अपने आप को स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में इमेजिन कर सकता है। सेकेंड रीजन है इंस्पिरेशन। सुपर हीरोज की अनलिमिटेड पावर और दूसरों की मदद करना उन्हें आम इंसान से अलग बनाते हैं और जो कि नॉर्मल ह्यूमन को इंस्पिरेशन देता है दूसरों की मदद करने का। एक रिपोर्ट के हिसाब से एक नई रिसर्च में पाया गया कि जो लोग सुपर हीरो वगैरह वाली मूवी देखते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं दूसरों की हेल्प करने के उनकी तुलना में जो सुपर हीरो मूवीज या फिर कॉमिक नहीं देखते, जिससे ये बात तो तय है कि सुपर हीरोज को रोल मॉडल मानना सोसाइटी को इंस्पायर जरूर करता है। थर्ड रीजन है उम्मीद। सुपर हीरोज हमेशा से ही एक उम्मीद का प्रतीक रहे। दुनिया में छिड़ी वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया भर की कंट्रीज में डिप्रेशन और परेशानियां पैदा कर दी। उस टाइम पे सुपरमैन के लॉन्च होने पर दुनिया को मिली एक नई आशा की किरण। इस कॉमिक में दिखाया गया कि किस तरह सुपरमैन बुरे लोगों से कमजोर और मजबूर लोगों को बचाता था। ये होप देने वाले सुपर हीरो को तुरंत ही लोगों ने बहुत सराहा और शायद यही वजह है कि आज भी इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सुपर हीरोज की नेगेटिव साइड नहीं होती, क्योंकि कभी कदार सुपर हीरोज की इमेज ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देती है सोसाइटी पर। भले ही दुनिया भर में सुपर हीरो पसंद करे जाएं, पर आखिर में है तो ये एक नकली कैरेक्टर जो कि हकीकत से कोसों दूर है। पर बच्चे जो कि मेन कंज्यूमर होते हैं सुपर हीरोज के, वो इस इमेजिनरी कैरेक्टर और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाते, जिससे ज्यादातर बच्चे ऊंचाई से कूदना उड़ने की कोशिश करना जैसी इमेजिनरी चीजों को सच समझ बैठते हैं और अपने आप को ही चोट पहुंचा लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई सुपरमैन का स्टंट कॉपी करते वक्त, और वहीं एक 7 साल के बच्चे के हाथ पांव टूट गए क्योंकि उसने अपने आप को लटका लिया था ये झूठी उम्मीद में कि शक्तिमान उसे बचाने आएगा। एक स्टडी में ये बताया गया कि जो बच्चे सुपर हीरोज मूवीज देखते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करते हैं। और वहीं 2019 में लॉन्च हुई सीरीज द बॉयज ने तो सुपर हीरोज की काया ही पलट दी, जिसमें ये दिखाया गया कि सुपर हीरोज असल में वो है ही नहीं जो वो दिखते हैं और ज्यादातर सुपर हीरोज असलियत में घमंडी
और तो और करप्टेड है, जो सिर्फ पब्लिक और ऑडियंस के बीच अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए ही सिर्फ दिखावा करते हैं। इस सीरीज में ये भी दिखाया गया कि किस तरह सुपर हीरोज फेम की चकाचौंध में इतना डूब चुके हैं कि उनके लिए ड्रग्स, रेव पार्टी, मोलेस्टेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीजें आम हो चुकी हैं। ये सीरीज इतनी ज्यादा डार्क है कि इसको 18 प्लस की रेटिंग मिली हुई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस दुनिया को सुपर हीरोज की जरूरत है भी या नहीं, या फिर सुपर हीरोज सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर ही रह गए हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सुपर हीरोज वो नहीं जिसके पास पावर है, बल्कि सुपर हीरो उसे उसकी सोच बनाती है, और हर एक इंसान में एक सुपर हीरो जरूर छुपा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।